हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और वेलकम बैक माय चैनल। और आज अपना ब्लॉग जो है ना, मैं कर रही हूँ 6 बजे। सीटी आ गई है और डिनर मैं बनाऊंगी आज। वो क्या बोलते हैं दाल मखनी। सो कढ़ाई मैं आज स्कूल से 4 बजे आ गई थी ना, तो 1 घंटा सो गई और उठी हूँ। अभी चाय नहीं बनाई, झाड़ लगा कर आई हूँ बस अभी। तो आज मुझे पता था, सुबह कल ही पता चल गया था कि मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, तो इसलिए मैं सुबह ही ना दाल मखनी को भिगो कर चली गई थी और आई हूँ। तो फिर अब मैं उसको उबालने के लिए रख दिया है। और बर्तन मैं आई थी तो फिर थोड़ी सी भूख लगी थी, तो वो बर्तन साफ करूंगी। बस यही है, सोचा कुछ अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। हो गया अमूल कैमल मिल्क, ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है अमूल का कैमल मिल्क। किसके लिए? मेरे लिए, आज मैं लिए। अच्छा, दुबई वाला है? दुबई का, दुबई वाला है। आज हम कैमल का मिल्क पीते हैं। हाँ, नमकीन नमकीन सा है, ऐसा लग रहा है कि मैं वो पी रही हूँ। क्या कहते, दही में बिल्कुल अच्छे से उसको फेट लिया है, मतलब रायता टाइप का बन जाता है ना, नमकीन नमकीन सा, तो ऐसा लग रहा है वो पी रही हूँ मैं। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप सब नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संडे के कपड़े अभी तक मैंने तय नहीं लगाए हैं, तो अब लगाऊंगी, मतलब आधे तय लगा चुकी हूँ, आधे रह गए हैं, टाइम नहीं मिला था इसलिए। चलिए पहले ये करते हैं और उसका दाल मखनी का मसाला बनाते हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हो ही गई ब्लॉग की शुरुआत। कैसा लगा आने का ब्लॉग? अच्छा लग रहा है ना, वैसे जैसे वो हम जैसे दही को बिल्कुल अच्छे से पेट लिया, अपना नमक डाल दिया, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आ रहा है इसका। आगे का ब्लॉग, आगे का रिएक्शन देखे गया था, कैसा लग रहा है? पियो कैमल मिल्क, कैसा है, कैसा है? अरे कैसा लगा कैमल का मिल्क? अच्छा है, मीठा? मीठा तो नहीं है। आए है, इतना गंदा लगा। आना को पसंद नहीं आया, आना ने चोटी खुलवाई है। स्कूल से आई थी ना, तो ये थोड़ा सा सो गई थी, तो जब स्कूल जाती है ना तब तो चोटी बनवा लेती है, फिर उसके बाद खोल देती है। तो मेरा ये सब हो गया है। सुबह चुकंदर बनाया था तो मेरे हस्बैंड ने उबाल दिया, इसको इसमें रख दिया, इसको मैं पीस लूंगी। यहाँ से मेरा शाम का जो काम है वो शुरू हो जाता है, तो कपड़े की तय लगा रही हूँ और उसके बाद जाकर मैं किचन में जो है ना दाल मखनी का मसाले को तैयार करूँगी। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज ले लिया है, टमाटर ले लूँगी और लहसुन ले लूँगी, अदरक ले लूँगी, मतलब जो भी डलता है ना मसाला वो सारे मैं इसमें यूज़ करूँगी। और मैं पीसूँगी नहीं इसको, ऐसे ही इस तरीके से मैं इसको भून लूँगी, एक पेस्ट बना लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरीके से ही मैं इसको बनाती हूँ। और आप सब जब मेरा व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि
कि मैं ज्योति हूँ और एक मेरी छोटी सी फैमिली है, उसमें छोटी सी फैमिली मेरे हस्बैंड है और एक 4 साल की बेटी है, तो हम ही हैं अपनी फैमिली में। तो प्लीज़ अगर आप सब मेरे जो व्लॉग को देख रहे हो अभी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो बस अभी मेरी जो चाय है वो बन गई है और जो मसाला है वो बनकर अभी तैयार होगा, मतलब अभी मैंने इसको कर दिया है, तो अभी 5 से 5 मिनट लगेंगे उसको पकने में, अच्छे से गल जाएंगे टमाटर वगैरह, जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं उसको पीस लूँगी। तो अभी जाकर मैं इंजॉय करूँगी चाय, और चाय के जो बर्तन हैं वो अभी क्लीन नहीं करूँगी, जब चाय मैं पी लूँगी तभी क्लीन करूँगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतने मतलब अभी जो व्लॉग गया है उसके बाद फिर मैं व्लॉग बना रही हूँ अपना, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है मैं इस तरीके से व्लॉग किया करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझे भूल ना गए हो इसलिए। तो अब मैं जो दाल मखनी है वो बना रही हूँ, तो जो पेस्ट है ना जो आपको मैंने अभी दिखाया था वो मतलब मैंने पीस लिया है, जो मसाला था वो पीस लिया है मैंने। अब मैंने उसमें थोड़ा सा जो कढ़ाई है ना, तो मैंने उसमें थोड़ा सा घी डालकर और माखन डालकर, बटर सॉरी बटर डालकर, तो मैंने उसको अच्छे से उसमें मसाले को डाल दिया है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और घर की जो फ्रेश मलाई है वो उसका यूज़ करती हूँ। तो आप सब कैसे बनाते हो ये मुझे ज़रूर बताना, तो सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, मेरा अलग होता है, आप सबका अलग होता है। तो बस अभी चलिए इसको हम बना लेते हैं, और पूरी प्रॉपर तरीके से जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ इसलिए। तो चलिए मैं फटाफट से ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। ज़्यादा ही महंगा हो रहा है ना, तो इतना सा बच गया था, बाकी की सारी चटनी बना ली है हमने, मेरे हस्बैंड ने बनाई है पुदीने और उसकी धनिया की, तो बच गया था। फिर मैंने सोचा कि क्या फेंकना है इसको ना, डाल देती हूँ, तो मैंने इसलिए डाल दिया है। और इसको अभी थोड़ा सा घी में, ये जो पराठा है ना इसको थोड़ा सा घी में ना गर्म करना है और फिर हम खाएंगे। बाकी सारा हो गया है काम। यहाँ पर मैंने ये लगा दी, इस पर मैंने प्याज, और इस पर प्याज है और इसमें है आलू, तो मैंने ये वाला रैक यहाँ रख दिया है वहाँ से हटाकर। अभी देखते हो, अभी मुझे वैसे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर ये, बट एक दो दिन और देखती हूँ, फिर इसको जहाँ वो रखा था मैं वहीं रख दूँगी। और देखिए ये वाला जो कवर है ये फट चुका है, तो इसको भी मुझे चेंज करना है। चलिए पहले इसको मैं वो कर लेती हूँ, इनसे बोलती हूँ ये ना सेक दे, ये अच्छे से सेकते हैं, मुझे ना थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मतलब अच्छे से नहीं सीख पाता है, तो ये सेक लेंगे इसको, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे घी में। तो देखिए ये है आज का हमारा डिनर, दाल मखनी, लच्छा पराठा और चटनी है। तो बस यही सिंपल सा हमारा आज का डिनर रहेगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, मतलब अच्छा बना था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा बना था। सिम कभी कभी ऐसे वाले खाने का ना बहुत मन कर जाता है, और आज जल्दी आ गई थी तो फिर मौका मिल गया मुझे इतनी अच्छा खाना बनाने का। नहीं तो हमेशा ही क्या होता है ना कि हस्बैंड ही बनाते हैं मेरा, सब्जी सब्जी बना देते हैं, रोटियाँ आके मैं बनाती हूँ, और कुछ सब्जियाँ थी जो बच गई थी तो उसको मैंने, जो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था जो मैं विशाल से लेकर आई थी, तो उसी कंटेनर में मैंने डालकर उसको फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि सब्जी जो थी ना वो ठंडी हो गई थी। अब बस किचन को और गैस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना बर्तन को साफ़ करके
तो बस अभी उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो किचन साफ हो जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। रात को बर्तन जो है ना, मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ सिंक में। ये मेरी शुरू से ही आदत रही है कि कभी भी रात को मैं सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ही अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बस अच्छा ही नहीं लगता। मतलब एक कहते हैं एक नेगेटिवी सी आ जाती है अपने घर में। तो कहते हैं ना कि अगर घर साफ़ सुथरा होगा तो लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करेगी। तो यही मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है, इसलिए कभी भी जो है ना किचन को मैं अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने घर को भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लूँ ताकि सुबह के लिए इजी हो जाए। तो वही है, अभी कर रही हूँ तो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आरना टीवी देखते देखते अपना वो सो गई है। तो बस अभी थोड़ा सा किचन का काम मैं अभी कर देती हूँ। एक चीज़ और रह गई है, उसको अभी मैं छिड़काव कर देती हूँ। छिड़काव मीन्स जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने एक, ये तो गंदा कपड़ा है, इसको मुझे रखना है, धोने के लिए डालना है। और ये है जिसमें मैंने विनेगर का पानी जो यूज़ करके इसमें करती हूँ ना, तो मेरा जो एक बॉटल जी ख़त्म हो गई थी तो दोबारा बनाया है। वैसे तो कोई अब कीड़े वीड़े नहीं आ रहे हैं, जो बरसाती वाले कीड़े होते हैं अब नहीं आ रहे, बट फिर भी एक अच्छी सी स्मेल होती है, अच्छी सी खुशबू होती है, तो इसलिए अब वही आदत बन गई है ना। तो इसलिए मैं हमेशा ही इसको इस तरीके से छिड़काव कर देती हूँ। और जब स्कूल जाती हूँ ना, तब भी जब किचन नीट एंड क्लीन हो जाती है तब भी एक बार उसको क्लीन करके चले जाती हूँ, अच्छा लगता है। तो बस अभी ये सब हो जाएगा, उसके बाद जो आरना है उसको मैं जाकर सुलाऊंगी और किचन जो है सुबह के लिए रेडी हो गई है। तो अपना जो व्लॉग है यहीं पर भी एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वाला व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जो आहना अभी नीचे सो गई है उसको जाकर मैं सुला कर आती हूँ। तो चलिए बाय बाय।